हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेस. आई होप यू हैव एंजॉयड योर दिवाली वेकेशंस. नाउ योर दिवाली वेकेशंस आर ओवर. आपकी दिवाली की छुट्टियां क्या हो गई? ख़त्म हो गई हैं. सो आपको क्या करना है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस पर अब पूरी तरीके से आपको ध्यान देना है. ओके, अब अच्छे से फिर से आपको स्टार्ट करनी है अपनी ऑनलाइन क्लासेस. अच्छे से वर्क करना है और लर्निंग वर्क भी आपको करना. यू हैव टू डू योर लर्निंग वर्क ऑल्सो. ओके, सो दिस इज क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5, फूड आवर बेसिक नीड्स. ओके, सो टुडे वी विल डू पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. एज यू नो, जैसे कि आपको पता है, पहले हम क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वर्ड मीनिंग. ओके, NEED, नीड. नीड मीन्स ज़रूरत. CLEAN, क्लीन. क्लीन मीन्स स्वच्छ, साफ सुथरा. ओके, साफ. HEALTHY, हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. GROW, ग्रो. ग्रो मीन्स बढ़ना. CONTAINS, कंटेन्स. कंटेन्स मीन्स शामिल. NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व. SUBSTANCES, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ. ESSENTIAL, इसेंशियल मीन्स आवश्यक. PROPER, प्रॉपर मीन्स उचित या फिर अच्छी तरह से. GROWTH, ग्रोथ मीन्स विकास. FUNCTIONING, फंक्शनिंग मीन्स कार्य पद्धति. REQUIRES, रिक्वायर्ड्स मीन्स की आवश्यकता है. ओके, ENERGY, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. CONSUMED, कंज्यूम्ड मीन्स ग्रहण किया हुआ, जिसका मतलब हम उपभोग कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं. ओके, RICH, रिच मीन्स भरपूर. QUANTITY, क्वांटिटी मीन्स मात्रा. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर 5, फूड आवर बेसिक नीड्स. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब हम इस चैप्टर में कौन कौन किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा है टाइप्स ऑफ फूड. ओके, टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में, फाइबर एंड रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट, जंक फूड, प्रिजर्विंग फूड, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट स्टार्ट. वी नीड टू ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड टू ग्रो एंड बी हेल्दी. वी नीड यानी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड. हमें कैसा फूड खाना चाहिए, क्लीन एंड हेल्दी यानी स्वच्छ, साफ और हेल्दी, सेहत से भरा हुआ, ठीक है, फूड खाना चाहिए. ओके, टू ग्रो एंड बी हेल्दी, जिससे कि हम अच्छे से ग्रो कर सकें और हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें. ओके, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. फूड क्या कंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर क्या होती है, जो भोजन होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. ओके, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स क्या है, हिंदी में हम उसे पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है. न्यूट्रिएंट्स एक सब्सटेंस होता है जो कि किसके लिए ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है. ओके, जिससे कि हमारी बॉडी क्या, न्यूट्रिएंट से क्या होता है, हमारी बॉडी
अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके, यानी कि हमारी बॉडी का अच्छे तरीके से विकास हो सके। और हमारी बॉडी के जो ऑर्गेन्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो अच्छे से क्या कर सकें, फंक्शनिंग, यानी कि अच्छे से वो काम कर सके, अच्छे से वो अपना वर्क कर सके। तो बॉडी, इसके लिए बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं? जो हम भोजन करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। देयर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स डेट अवर बॉडी रिक्वायर्स। मेन फाइव न्यूट्रिएंट्स हैं जिस हमारा, ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फाइव मेन, फाइव न्यूट्रिएंट्स, फाइव टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी, जिसकी हमारी बॉडी को क्या होती है, आवश्यकता होती है। मेन फाइव न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ये न्यूट्रिएंट्स के नेम हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। दीज आर द फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स डेट आवर बॉडी रिक्वायर्स। फर्स्ट हम कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में जब एनर्जी रहेगी, तभी तो हम अपना वर्क कर पाएंगे, प्ले कर सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी हम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कैसा न्यूट्रिएंट्स है? एनर्जी गिविंग, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। स्टार्च एंड शुगर आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड बाय अस। स्टार्च और शुगर, ये क्या है? टू टाइप्स के क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा कंज्यूम्ड, यानी इनका यूज़, इन उपभोग ग्रहण किया जाता है किसके द्वारा? हम इसका उपभोग करते हैं, इसको हम कंज्यूम्ड करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स रिच इन स्टार्च। अब हम उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे फूड आइटम्स के, ठीक है, जो कि किस में रिच होते, किससे भरपूर होते हैं? स्टार्च, यानी कि उन फूड आइटम्स में जिसमें स्टार्च क्या होता है, अच्छे से पाया जाता है वो। जैसे कि आर पटैटो, अपने पटैटो खाते हो, आलू, राइस खाते हो, चावल, व्हीट, गेहूं एंड कॉर्न, है ना, जैसे भुट्टा। ये क्या है, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, अच्छी मात्रा में क्या चीज़ होती है? स्टार्च होता है। फ्रूट्स एंड फ्रूट्स सच एज बनानास, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ऑरेंज, पीचेस एंड मैंगोज आर रिच सोर्सेस ऑफ शुगर। अब जो हम फ्रूट्स खाते हैं, बनानास, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, इनमें क्या चीज़ पाई जाती है? शुगर होता है। इस टिक आर रिच सोर्सेस ऑफ शुगर। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। अब जो कि ग्रोइंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बढ़ते हुए बच्चे, जैसे कि आप लोग हो, आप लोग क्या हो? ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, ठीक है, तो इनको अच्छी मात्रा में, गुड क्वांटिटी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोग खेलते हो, है ना, सारी एक्टिविटीज़ करते हो, तो उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से आप मिलेगी, जब आप ये सारी चीज़ें खाओगे ना, पटैटो, राइस, व्हीट, कॉर्न, फ्रूट्स, तो ये आपको की बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट्स देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स आते ही आपके बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स उनकी डाइट में क्या अच्छी तरीके से लेना चाहिए। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर सच एज स्पोर्ट्स पर्सन एंड लेबर्स ऑल्सो नीड कार्बोहाइड्रेट्स टू फुलफिल देयर एनर्जी नीड्स। अब पीपल जो कि
कौन से काम जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, मैं ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन जो खेलते हैं ना, तो खेल जो भागते हैं दौड़ते हैं, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस करते हैं अपने गेम्स की, तो उनके उनको भी क्या किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। और लेबर्स जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में जाता है जब, तो उनकी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो अपने सारे वर्क क्या अच्छे तरीके से कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही।